हेलो एवरीवन हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे आज और ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस बेटा आपके सीजीएल का है और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको आसान तरीके से सिखा सकूं तो आज मैं इसी में वन से लेकर थर्टी तक मैं पहले करवा चुकी थी आज मैं चलूंगी थर्टी वन से शुरुआत करूंगी वन से थर्टी तक का मैंने लिंक दे दिया है आपको और आप में क्लास लोड हो चुका है यूट्यूब में लिंक मैंने पिन कर दिया है आप लोग देख लेना वन से थर्टी तक क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है अब बाकी जितने एग्जाम्स में आए हुए हैं उसी एग्जाम में हर एग्जाम में आपको पता है दो तीन होते हैं तो पूरा कंप्लीट मिला के अराउंडी सेवन है तो आज हम थर्टी वन से शुरू करेंगे आज और सबसे पहले देखो टू फेस द म्यूजिक बेटा फेस द म्यूजिक का मतलब ध्यान से देखो ये बंदा क्या कर रहा है इसको लात मारेगा बेटा अगर ये गिरेगा तो ये भी गिरेगा इसका मतलब है कि ये क्या काम कर रहा है कोई रॉन्गफुल एक्शन कर रहा है गलत काम कर रहा है और उसी का नेगेटिव कंसिक्वेंस होगा अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको नकारात्मक परिणाम झेलना पड़ेगा इफ यू डोंट स्टडी यू विल फेस द म्यूजिक इफ यू हर्ट एनी वन यू विल फेस द म्यूजिक इफ यू चीट एनी वन यू विल फेस द म्यूजिक मतलब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ रॉन्गफुल एक्शन ठीक है नेक्स्ट आओ स्टर्न आप अनेट का नेस्ट जो होता है ना बेटा आपको हॉर्नेट देखते हो ऐसा होता है अगर आप हॉर्नेट का नेस्ट एक तो एक ही तितया जो होता है ना भयंकर काटता है है ना अगर चेहरे पे काट लिया ना तो चेहरे से आप चाइनीस लगोगे इतना भयंकर सूझ जाता है और इसके नेस्ट को जाके आप ऐसे छेड़ दो तब आपकी हालत ये क्या बनाएगा ये आप समझ सकते हो इसका मतलब हो गया टू प्रोवोक ट्रबल यानी कि आप जो कर रहे हो क्या कर रहे हो आप ट्रबल को इनवाइट कर रहे हो ट्रबल इनवाइट कर रहे हो समझ में आया पहला मैंने आपको क्या बताया इसमें कहा टू बेयर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ रॉन्गफुल एक्शन एंड इसका कहा मैंने कि ट्रबल को इनवाइट कर रहे हो जाके छत को क्या कर रहे हो आप छेड़ दे रहे हो राइट नेक्स्ट आओ ऑन द बॉल अब ऑन द बॉल को आप जो फील करना चाहते हो ना तो ऐसा कुछ फील करो ऑन द बॉल लग रहा है कि हाँ बहुत बढ़िया से क्विक और कॉम्पिटेंट वे में पूरे सक्षमता के साथ वो खेल रहा है द बॉल का मतलब हुआ डूइंग अ जॉब इन अ क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर सक्षम कॉम्पिटेंट का मतलब होता है जब आप में क्षमता हो सक्षम देखो कॉम्पिटेंट मैनर ठीक है क्लियर समझ में आ रहा है यस वेरी गुड आ जाओ नेक्स्ट अरे एक सेकेंड रुकना बेटा नंबरिंग गलत हो गया थोड़ा बीच में नंबरिंग गलत हो गया नेक्स्ट आओ नेक्स्ट आओ थर्टी थ्री इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स कैट्स एंड डॉग्स अगर ऊपर से गिरने लगे तो आपको क्या फीलिंग आएगा बहुत ताबड़तोड़ सर पे लगेगा जैसे कि कुछ बौछार गिर रहा है बहुत बुरी तरह से वैसे इट मींस कैट्स एंड डॉग्स का मतलब हो गया इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स बेटा कैट्स एंड डॉग्स ये एडवर्व का, का काम करता है और इसका मतलब होता है heavily. यानी बहुत तेज बारिश होना इट इज रेनिंग वेरी हेवीली देख रहे हो ऐसा लग रहा है सर पे कैट्स एंड डॉग्स रेन कर रहा है इसका मतलब इट इज रेनिंग हेवीली राइट नेक्स्ट आओ टेक द बुल बाय द हॉर्न्स नहीं बेटा मैंने वन से लेकर थर्टी तक करवाया था अब थर्टी वन से आगे कर रही हूं मैं आ जाओ टेक अ बुल बाय द हॉर्न जब आप किसी बुल को एक हॉर्न से उसी के सिंग से आगे से सामना करते हुए महसूस करते हो यानी इतने भारी भरकम मुसीबत का सामने से सामना करना वो ही है टेक द बुल बाय द हॉर्न इसका मतलब हो गया टू डील विथ अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे ठीक है डीकैपिटेट का मतलब होता है बेटा जान से मार देना गला काट लेना है ना डीकैपिटेट का मतलब हो गया मार देना बीफ के लिए किसी बुल को नहीं यहां पर मतलब है कि सामने से इतनी भारी भरकम मुसीबत का सामना करना देखो राइट right? आपको बिल्कुल एग्जैक्टली exactly वैसा पिक लगा के दे रही हूं मैं जो आप इमेजिन कर सकते हो नेक्स्ट द पीसेंस का मतलब होता है फार्मर्स यानी कि किसान की बात हो रही है वर्क द होल डे पूरे दिन उन्होंने काम किया कहां पे इन द फील्ड यानी खेतों में होम्स जब आप काम रोकते हो ना देन यू कॉल इट अ डे इसका मतलब काम खत्म करना जैसे फ्राइडे को देखते हो कितने मजे से खुशी खुशी घर जाते हो इसका मतलब हो गया आई हैव कॉल्ड इट अ डे इसका मतलब काम रोक दिया ठीक है राइट कॉल इट अ डे का मतलब हो गया काम खत्म करना एट फाइव ओ क्लॉक आई कॉल इट अ डे इसका मतलब पांच बजे मैं काम खत्म करके बंद करके घर चली जाती हूं राइट right? नेक्स्ट आओ अंडर द क्लाउड बेटा जब कोई व्यक्ति अंडर द क्लाउड होता है ना तो इसका मतलब होता है अंडर सस्पेशन यानी वो शंका में है अंडर सस्पेशन उसका शंका में है एक मिनट रुकना बेटा एक मिनट शंका में अंडर सस्पिशन का मतलब होता है शंका में ठीक है अब बताओ इनमें से कौन है जिसमें आपको अंडर सस्पिशन महसूस हो रहा है जरा बताना देखो तो द क्लासमेट्स वर डांसिंग टुगेदर अंडर द रेन नहीं यार अंडर द क्लाउड का मतलब अंडर द रेन तो नहीं होता द ड्राइवर वॉज अंडर सस्पिशन

बेटा कोमल इंग्लिश का क्लास लेना स्पोकन का जाओ ना केडी लाइव ऐप में वहां पे स्पोकन ले लो लाइव प्लस वीओडी दोनों मिल जाएगा नेक्स्ट इन ब्लू मून बेटा ऐसा ब्लू मून आपको कब दिखता है जरा बताना बोलो कि एकदम कभी कभार ही दिखता है वरना तो हमें गोल्डन दिखता है व्हाइट भी दिख जाता है लेकिन ऐसा तो ब्लू मून नहीं दिखता इसीलिए क्योंकि ये बहुत रेयर फेनोमेनन है आपको पता है ना हम लोग जो लाइट पढ़ते हैं विबजियर पढ़ते हैं वायलेट यानी कि अगर मून आपको वायलेट दिख रहा है इसका मतलब है लाइट बहुत ज्यादा डेविएट हुआ है तो इसे कहते हैं बहुत रेयर है वेरी रेयर पिक्चर देखने जाते हो हाँ जाते हैं वन सीन ब्लू मून कभी कभार बहुत कम ठीक है नेक्स्ट अ परफेक्ट स्टॉम परफेक्ट स्टोम का मतलब होता है ऐसा स्टॉम जो कह सकते हो कि बस यही तो है ऐसा ही तो बर्बादी हो सकती है है ना इससे ज्यादा गंदी बर्बादी तो हो ही नहीं सकती है परफेक्ट स्टॉम का मतलब है द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन देख रहे हो पानी कैसे सत्यानाश कर दिया है ना जैसे अभी आप गाजा जो स्ट्रिप है वहां पर देख सकते हो जो बर्बादी का सबसे गंदा विभस्त रूप हो सकता है वो देखोगे आप द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन देखो बैड ब्लड बट अब बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मनी एनमिटी अब इनमें से सेंटेंस ढूंढो जहां पे आपको दुश्मनी का एग्जैक्ट मीनिंग दिखाई दे ऐसा वर्ड जहां पे दुश्मनी का एग्जैक्ट मीनिंग दिखाई देखो तो शी सो स्केय ऑफ कॉक्रोचेस दट शी फेंटेड विथ शी शो सो देम क्रॉलिंग नियर हूट यहां पर कॉक्रोच के साथ कोई दुश्मनी की तो बात हो ही नहीं सकती है अब लड़की और कॉकरोच है ना उसके बीच में दुश्मनी क्या होगी नहीं द डॉक्टर ड्रॉप द बैड न्यूज बैड न्यूज का मतलब है कि बुरी खबर बुरी खबर और एनमिटी तो एक चीज होता नहीं है द गैंगस्टर हैड समेटर रिलेशन यस आ गया बिट्टर रिलेशन यानी कि दुश्मनी सो ही वॉन्ट हिम टू स्टे आउट ऑफ हिस्सनेस देखते नहीं बैड ब्लड इसी तरह का दुश्मनी एकदम गैंगस्टर की तरह दिख रहा ही है नहीं गैंगस्टर्स जो होते उनका किसी ना किसी दुश्मनी दुश्मनी रहेगा ही रहेगा है ना यह देखो सो so, दुश्मनी चाहिए मुझे बेटा खत्म हो गया है तो प्रैक्टिस के लिए वहीं पर एक मेंस का देख लो ना यार मेंस का प्रैक्टिस बैच करियर इज नाउ कंप्लीटली ओप्सुलीट देख रहे हो ये जो दुकान है इसमें ताला लगा हुआ है और मैंने जान बूझ कर एक यहां पर कील दिखा दिया ये कैसा कील है एज डेड एज अ डोर नेल बेटा डोर में जो नेल ठुक जाता है ना यहीं पर मर जाता है उसके बाद उसका कोई काम नहीं है बिल्कुल वो सही का वैसे ही रहेगा यानी मरा हुआ सा पड़ा रहेगा इसका मतलब है कंप्लीटली ओब्सुलट आप चलन में नहीं है जैसे मैं कहूं भाई नोकिया द कंपनी इज एज डेड एज अ डोर नेल अब तो फिर से रिवाइव हुआ है ना अगर आप कहोगे भाई आम, पेजर अब तो मोबाइल है लोगों के पास और वो भी बहुत स्मार्टफोन से पेजर तो इट इज एस डेड एस अ डोरनेल नाउ है ना याद है ना पेजर होता था बीच में ए, मैं कहा से तुमको गैंगस्टर दिख रही हूँ एम्स हाँ मैं कौन सी गैंगस्टर दिख रही हूँ यार इतनी शरीफ टीचर शक्ल देखो कितनी इनोसेंसी है एकदम अबला नारी और तुम्हें मैं गैंगस्टर दिख रही हूँ कहाँ से बोलो तो कट कॉर्नर्स मतलब कभी भी चीज के कोई कॉर्नर होता है ना बहुत बढ़िया सा शार्प डिजाइन में एकदम बहुत बढ़िया परफेक्ट डिजाइन में अब मान लो मेरी ये किताब है, है ना? कितना बढ़िया से एकदम शार्प कॉर्नर इसका और अगर ये कॉर्नर ऐसे कट हो जाए तो कहोगे मैम ये तो बुक का शेप ही बिगड़ जाएगा वही तो कट कॉर्नर्स का मतलब तो वही है क्या द आर्ट ही कट कॉर्नर्स ऑन हिस होमवर्क एंड गॉड अ बैड ग्रेड इसका मतलब कि उसने अपने होमवर्क को कट uh, कॉर्नर्स किया और बैड ग्रेड मिला यह तो चल रहा है सही लग रहा है द आर्टिस्ट कट कॉर्नर्स ऑफ द पेंटिंग एंड इट एंडेड अप लुकिंग अनफिनिश्ड बेटा यही तो है जब कट कॉर्नर्स करते हो ना तो किसी चीज को अनफिनिश्ड छोड़ देते हो ठीक है कट कॉर्नर्स जब करते हो तो किसी चीज को अनफिनिश छोड़ देते हो ऐसे कंडीशन में क्या करते हो यू ट्राइ ट्राई टू यहां पे लिख देती हूं ट्राइंग टू सेव मनी एंड टाइम बेटा होमवर्क की बात करेंगे तो होमवर्क में आप मनी तो बचा नहीं सकते हो. होमवर्क करने में कोई मनी बचाने की तो बात होती नहीं है ना फुल स्क्रीन करो तो कमेंट्स राइट तो इसका मतलब हो गया कि कट कॉर्नर्स तो हम आर्टिस्ट के मामले में करेंगे क्योंकि ये पैसे बचाने के चक्कर में टाइम बचाने के चक्कर में क्या करेगा उसको वो अनफिनिश्ड सा दिखेगा पूरा नहीं किया उसने ढंग से ठीक है आई ऑलवेज मेक श्योर टू कट कॉर्नर्स आई एम ड्राइविंग नाई कट कॉर्नर्स का मतलब किसी मोड़ की बात नहीं हो रहा है याद रखना कट कॉर्नर्स का मतलब है जब आप पैसे बचाने की कोशिश करते हो टाइम बचाने की कोशिश करते हो और काम अधूरा सा लगता है इंग्लिश बैच कितने का और बैच की स्पेलिंग रॉन्ग हाय राम बैच नंबर फिफ्टी लो अब मुझे अभी भी याद है जब हम 2020 में लॉकडाउन शुरू हुआ था और उस समय हम बैच नंबर फाइव पढ़ा रहे थे और बैच नंबर फाइव में ही हमने स्मार्ट बोर्ड लगाया था तो बच्चे बड़े खुश हुए थे अब हम लोग स्मार्ट बोर्ड में पढ़ेंगे और उस समय इतनी बुरी हालत हो गई थी कुछ दिनों तक कि स्मार्ट बोर्ड तो लग नहीं पा रहा था क्लास रिकॉर्ड करके देना पड़ता था क्लास लाइव भी नहीं चल पा रही थी तो बैच नंबर फाइव से आज हम बैच नंबर फिफ्टी में पहुंच गए बट आप पीडीएफ अभी थोड़ी देर में लोड कर देंगे आप केड़ी लाइव में आ जाना मिल जाएगा आपको हेट द जैकपॉट जब जैकपॉट आप अगर कभी देखते हो कोई गेम वगैरह खेलोगे ना देखोगे एक पॉट आएगा और जब उसको आप हिट करोगे तो वो खुलेगा उसमें ढेर सारे पैसे निकलेंगे कॉइन्स के रूप में और आपके कॉइन्स बढ़ जाते हैं नहीं आपके उसमें नंबर बढ़ जाते हैं और आपके पास कुछ एडिशनल और चीजें आ जाती है जिसके साथ आप गेम खेलते हो तो और थोड़ा सा ज्यादा चांसेस होते हैं आपके जीतने के वही तो टू गेन अग सक्सेस हिट द जैकपॉट का मतलब होता है टू गेन बिग सक्सेस देख रहे हो सेवन करोड़ का इसमें से ये लड़का जो है ना मुझसे मिलने आया था ये मेरा स्टूडेंट रहा था पहले ये जीतने के बाद मिलने आया था नेक्स्ट दिस इंसिडेंट अकर्ड विदाउट अ वार्निंग बिना किसी वार्निंग के कुछ हो जाए तो क्या होता है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है आसमान से जैसे ऐसा बोल्ड गिरना बेटा जब बिजली गिरती है तो पता नहीं चलता गिरने वाली अचानक गिरती किसी पर वो मर जाता है तो दैट इज वॉट अनएक्सपेक्टेड और कुछ खराब है ना इसीलिए एक वार्निंग जो बिना किसी वॉर्न एक इंसिडेंट जो बिना वार्निंग के आया बोल्ड फ्रॉम द ब्लू ऑन थिन आइस जो पतली सी आइस हो और उसके ऊपर आप चलोगे तो डूबने का खतरा होता है है ना कब आइस टूट जाए और कब आप अंदर चले जाए इसका मतलब ऑन थे आइस का मतलब हुआ इन अ डेंजरस सिचुएशन बाकी का मीनिंग बता दे रही हूं मैं इग्नोरेंस इज ब्लिस बेटा ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस और इसका मीनिंग क्या है ध्यान से समझना देखोगे ना जो अनपढ़ रहेंगे बेटा वो बहुत सुखी रहेंगे उनको कोई टेंशन नहीं जो थोड़ा बहुत जानकार रहते हैं वो तो हैं अरे यार बहुत कुछ पढ़ना बाकी है आपने क्लास में देखना जो एकदम खराब होंगे पढ़ने में जिनको कोई टेंशन नहीं क्योंकि क्यों वो पढ़ते ही नहीं है इग्नोरेंस का मतलब अज्ञानता सुख देता है यानी व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग यू आर हैप्पी जैसे थोड़ा सा जानकारी प्राप्त होता है टेंशन होता है यार ऐसा कैसे होगा है ना इसीलिए इग्नोरेंस का मतलब जब आपको पता ही नहीं है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड कोई बॉयफ्रेंड है है ना तो आप एकदम खुश रहते हो जैसे पता चलता है कुछ वैसे ही क्या होता है उसके बाद टेंशन शुरू होता है दैट मीन्स वेन यू डू नॉट नो समथिंग You stay happy. जब आपको जानकारी नहीं होती है तो आप हैप्पी रहते हो आप एक एक करते चले जाओ नेक्स्ट <coughs> आओ <coughs> गेम्स का कहना है मेरी गर्लफ्रेंड बहुत इग्नोर करती है बेटा इग्नोर करती है तो आपको मैसेज दे रही है स्टे अवे इट्स ओवर बेटा हैप्पीनेस का स्पेलिंग सही करो एच ए पी पी आई होता है माफिया गेमिंग चलो नेक्स्ट आओ ध्यान से देखना बेटा प्ले डेविल्स एडवोकेट बेटा डेविल कौन होता है शैतान उसका एडवोकेट का मतलब इसका मतलब है कि मान लो हम लोग बैठ के एक यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं ध्यान से समझना अब मैं पूछूंगी कि भाई एक बात बताओ अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहिए कि सिर्फ अपनी वाइफ अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए आप कहोगे मैडम ऐसा कैसे हो सकता है वाइफ और बच्चों के साथ कैसे रहें मम्मी पापा भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम लोग न्यूक्लियर फैमिली हम प्रेफर करते हैं है ना जॉइंट सॉरी जॉइंट फैमिली प्रेफर करते हैं न्यूक्लियर फैमिली नहीं खाली वाइफ और बच्चों का देखभाल करना थोड़ी हमारी जिम्मेदारी है अब मैं देखूंगी यार ये सारे लोग ज्वाइंट फैमिली के पक्ष में मैं कहूंगी भाई मैं तो न्यूक्लियर फैमिली के पक्ष में अब सुनो ध्यान से मैं खुद ज्वाइंट फैमिली के पक्ष में हूं लेकिन मैं कहूंगी भाई मैं तो न्यूक्लियर फैमिली के पक्ष में हूं क्यों क्योंकि जब मैं न्यूक्लियर फैमिली के पक्ष में बोलूंगी ना तो आपके तरफ से और पॉइंट्स उठेंगे जॉइंट फैमिली की तरफ से इसका मतलब है कि मैं इस आर्गुमेंट को इस डिबेट को मैं प्रमोट करने के लिए कि अच्छे से तुम लोग बोलो मैं उस साइड का पक्ष ले रही हूं जो साइड में एक्चुअली मैं हूं नहीं इसका मतलब हो गया आई एम द डेवल्स एडवोकेट शैतान का एडवोकेट मैं जानती हूं शैतान गलत है लेकिन शैतान का एडवोकेट हूं मैं इसका मतलब हो गया टू टेक द साइड ऑफ विच आई डू नॉट बिलोंग जस्ट टू प्रोमोट अ डिबेट उस साइड का पक्ष लेना जिस साइड को मैं बिलोंग ही नहीं करती हूं सिर्फ इसीलिए ताकि तुम लोग बोलो ठीक है रूट टू सक्सेस बेटा वॉल्यूम वन का बैच अवेलेबल है वीओडी नेक्स्ट यू शोड मी योर ट्रू पर्सनालिटी व्हेन यू आस्क मी टू गेट आउट ऑफ द हाउस एट मिडनाइट बेटा असली रंग इसका असली रंग किसने देखा हम्म ये मैडम ने जो हमारे देश के अच्छे अच्छे स्मार्ट लड़कों को छोड़कर गई थी पाकिस्तान नहीं इस बंदे ने मैरिज वन भी किया हुआ था और इनको पता था फिर भी शादी की मैरिज टू भी हुआ अब मैरिज थ्री हुआ है, यानी कि इसने अपना असली रंग दिखा दिया अपनी वाइफ को है ना क्या नाम है मैडम का बताओ तो हुँ? यस चलो रविश इज रेडी टू थ्रो कॉशन टू द विंड जब आप विंड को कॉशन थ्रो करते हो इसका मतलब रिस्क ले रहे हो यू टेक रिस्क देखो ये ऊपर से कूद रहा है है ना दोनों हाथ में मशीन गन लेके ऊपर से कूद रहा है राइट right? तो देखो ही हैज थ्रोन कॉशन टू द विंड यानी कि टू टेक रिस्क बेटा बहुत अच्छे से करो और मैं आपको पूरी कोशिश कर रही हूं ईडियम्स एंड फ्रेजिस बहुत करवाया हुआ है वॉल्यूम वन का पूरा वॉल्यूम वन के बैच में करवाया हुआ है ठीक है असली रंग दिखा दिया बेटा यस महेशर्न नॉट टू टेक थिंग्स सीरियसली अब देखो ये बेचारा है इसको दे रहा है अंगूठी ये हाथ भी इधर की हुई है मजाक भी उड़ा रही है हंस रही है इसका मतलब है कि सीरियसली नहीं ले रही है टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट ठीक है योर गैस इज एज गुड एस माइन इसका मतलब है मुझे भी नहीं पता तुम्हें भी नहीं पता दैट मीन्स डोंट नो तुम उतना ही गैस कर रहे हो जितना मैं जानती हूं यानी कि दोनों का गैस है ही नहीं कुछ दोनों नहीं पता दोनों को नहीं पता डाट द लास्ट ट्रॉ कहते हैं ना ताबूत में आखिरी कील है ना द लास्ट अनप्लेजेंट Event. अब जैसे आप कहोगे अभी तुरंत जो मैंने बताया सानिया की शादी के बारे में बताया है ना जब उसे इतने दिनों से तो बहुत सारी चीजें अनप्लेजेंट चीजें हो रही होंगी उनके लाइफ में लेकिन जिस दिन उसे पता चला होगा कि हस्बैंड का फिर किसी और के साथ चक्कर चल रहा है तो दैट वाज द लास्ट श्रो नहीं वो आखिरी अनप्लेजेंट इवेंट था कहते हैं ताबूत में आखिरी कील उसी दिन ठुक गई राइट पुल संवंस लेग किसी का पैर खींचना इसका मतलब है कि उसको डिस्टेबलाइज करना उसको डीमोटिवेट करना उसकी टांग खींचना इसका मतलब होता है कि उसको आप परेशान कर रहे हो और चाह रहे हो कि वो सक्सेसफुल ना हो, है ना? इसका दो मतलब होगा एक तो किसी को छेड़ना और किसी का टांग खींचते हो तो क्या होता है उसको गिरा देते हो यानी डिसीव समीस का मतलब छेड़ना डिसीव का मतलब धोखा देना देखो क्लियर गणेश जितना फ्री में है वो आप इसमें देख लो मेरे चैनल पे और एक और चैनल है केडी लाइव उसमें भी बहुत सारा बहुत कुछ दिया हुआ है बेटा सी का तो बुरा प्रिपरेशन हो जाएगा एनडीए एनडीएसएचएसएल स्टेनोग्राफर टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एस बी सी डी एस एनडीए सब प्रिपरेशन हो जाता है कुछ नहीं बचता नेक्स्ट आओ हिज फ्लाइट फ्लाइट विनय की मिस हो गई बट गुड लक केम टू हिम फ्रॉम बैड बहुत परेशान हुआ वो बहुत दुखी हुआ लेकिन क्या हुआ बिल्कुल सही हुआ क्योंकि तो फ्लाइट क्रैश कर गया इसका मतलब है आप देखिए मेरी शादी में जरूर आना ये लड़की इसको छोड़ के भाग जाती है शादी वाले दिन कितना दुखी और परेशान होता है और यही बैड सर्कमस्टांसेस से निकलने के बाद वो क्या बनता है आई ऑफिसर बनता है राइट right? वही तो कह रहा है इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्काइज बेटा डिस्काइज मतलब होता है छिपा हुआ यानी एक छिपा हुआ वरदान था लड़की का भागना इसके लाइफ से प्लेन का मिस होना फ्लाइट का मिस होना अच्छी बात हुई इसके लिए क्यों क्योंकि फ्लाइट क्या हो गया क्रैश कर गया देखो नेक्स्ट आओ अगर आपको वीओडी लेना है तो स्पेशल फोर्टी आ गया वीओडी अभी खत्म हुआ दो दिन पहले उसका वीओडी आ गया नेक्स्ट आओ और ये जानते हो सबसे अच्छी बात क्या है इसमें जीएस स्पेशल भी आ गया है रीजनिंग भी है मैथ्स भी है सबका वी है और आपको सिर्फ थ्री थाउजेंड में मिल जाएगा सॉरी थ्री थाउजेंड भी कहां है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड में सब कुछ मिल जा रहा है देखो तो हम्म बहुत सस्ते में इसमें और क्या क्या दे दे रहा है भाई वीडियो प्लस टेस्ट सीरीज भी दे, दे दे रहा है फुल कोर्स है इसमें देखो देख रहे हो और क्या चाहिए यार तीन हजार में मैनी एनलिस्ट आर टिपिंग स्टेबल ब्लू चिप कंपनीज टू वेदर द स्टॉम बहुत सारे एनालिस्ट ये कहते हैं कि भाई जो ब्लू चिप कंपनी है ना बेटा ब्लू चिप का मतलब ही होता है प्रॉफिटेबल ये इडियम खुद भी आया हुआ है ब्लू चिप प्रॉफिटेबल जो प्रॉफिट कमाने वाले कंपनी है उनके बारे में कहते हैं भाई टिप देते हैं क्या कि जो स्टेबल है टिका हुआ है प्रॉफिटेबल कंपनी से बेटा उसमें पैसे लगाओ ठीक है वेदर वेदर द द का मतलब है कोई भी कठिनाई आती है ना तो ये सामना करके निकल आते इनको हिला नहीं पाता जैसे देखियो अडानी का है ना का रिपोर्ट आया बिल्कुल हिल गया लेकिन हुआ क्या फिर से निकल आया क्योंकि इन लोग में इतनी क्षमता हो जाती है बड़े कंपनीज में कि किसी तरह की परेशानी आए वो उससे डट के मुकाबला करके निकल आते हैं वेद का मतलब हुआ डील विथ अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट बींग हार्मे है देखो ऐसा स्टॉम में वेदर करके निकल के सक्सेसफुली आ गया ठीक है क्लियर नेक्स्ट आओ है स्पीक्स हिस्स आई नहीं होता है स्पीक हिस् माइंड होता है आप वही बोलते हो जो आपके दिमाग में होता है इसलिए स्पीक वंस माइंड होता है ऑलवेज स्पीक्स हिस्स माइंड याद रखना आप वही बोलते हो जो आपके दिमाग में होता है यू स्पीक योर माइंड ठीक है मेरा सिर्फ लेना बेटा तब भी बैच नंबर फोर्टी लोग हैं और ये बाबा कश्मीर में माइनस टेन डिग्री से देख रहे हो क्लास अश्वजित दास सीआरपीएफ में हो तुम लोग कमाल के हो यार यहां पर हम लोग ठंड में कड़कड़ा जाते हैं थोड़ा सा ठंड होता है तो माइनस थ्री डिग्री माइनस फोर डिग्री होता सॉरी माइनस तो छोड़ो यार तीन डिग्री चार डिग्री जब टेम्परेचर होता है ना तो दिल्ली वाले एकदम भयंकर कोट और टोपी और दस्ताने सब पहन के निकलते हैं माइनस टेन बापरे कैसे सर्वाइव कर लेते हो तुम लोग नहीं बहुत बड़ी चीज है सलाम है तुम लोगों को चलो आजा पास द बक ये कह रहा है इसकी गलती है ये कह रहा है इसकी गलती ये कह रहा है इसकी गलती इसकी गलती इसकी गलती इसकी गलती पासिंग द बक एक दूसरे को इल्जाम दे रहा है पास बक मतलब होता है यार गलती है उसकी गलती यानी कि ब्लेमिंग अनदर पर्सन देखो पास द बक का मतलब ब्लेमिंग अनदर पर्सन ठीक है As as soon the 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 principal came to know about the inspection in in school, he put everything in perfect order. चक चक, ड्रेसअप होके तो इसका मतलब क्या है एकदम एप्पल पाई सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में रखे हैं। देखो कितने परफेक्ट ऑर्डर में एपल रखा हुआ है इसका मतलब है परफेक्ट ऑर्डर एप्पल पाई ऑर्डर इसका मतलब हुआ परफेक्ट ऑर्डर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है of coral, discord का मतलब क्या होता है झगड़ा लड़ाई यानी जिस चीज के कारण दो के बीच में झगड़ा हो ठीक है इसका मतलब एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब कॉस ऑफ कॉरल बेटा इसके लिए एक और idiom है पता क्या बोन ऑफ कंटेंशन बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है बोलो क्या बोन ऑफ कंटेंशन कंटेंशन का मतलब झगड़ा होता है इसका मतलब होता है झगड़े की जड़ एक ही एक ही हड्डी के पीछे बोन के पीछे दो कुत्ते लड़ रहे हैं। नहीं आली एप्पल बेटा आली एप्पल का मतलब होता है कोई कंकड़ पत्थर रॉक कुछ भी ठीक है जैसे पेबल कह दोगे कंकड़ पत्थर एप्पल ऑफ वंस आई बहुत प्यारा आंखों का तारा फेवरेट मैंने आपके सबकी मीनिंग दे दी है देखो राइट शामी हैज बिन कंटेम्पलेटिंग फॉर अ फ्यू डेज बट स्टिल हैज नॉट डिसाइडेड टू क्विट द जॉब कंटेम्पलेट का मतलब क्या करे क्या करे जैसे गाय भैंस को देखते हो जुगाली करता रहता है इधर उधर देखता रहता है जुगाली करता रहता है नहीं इसका मतलब ऐसा लगता है ना देखना कभी गाय को देखना ध्यान से वो जुगाली करते रहेगी और ऐसे ऐसे, ऐसे देखते रहते कुछ सोच रही है नहीं उसी को कहते हैं च्यू द कड जुगाली करना एक्चुअली जुगाली करने का मीनिंग होता है च्यू द कड ऐसे जो गाय जुगाली करती है दो दो ना च्यू द कड लेकिन लगता है ये सोच रही है किसको मारू मैं वही तो कंटेम्पलेटिंग कंटेम्पलेट का मतलब होता है थिंकिंग ठीक है बाइट द डस्ट इसका मतलब टू गेट डिफीटेड हारना कूल वंस हील आराम से बैठ के इंतजार करते रहो जस्ट कूल योर हील्स अभी बहुत टाइम एक घंटा इंतजार करना पड़ेगा है ना गेट इन टू हॉट वॉटर गेट इन प्रॉब्लम परेशानी में फंस जाना ठीक है राइट मेडिटेट बेटा मेडिटेट का मतलब ये होता है सोचना विचार करना क्लास इलेवन में है यूपीएससी की तैयारी करनी है कैसे करूं यूपी गर्ल्स सबसे पहले बेटा एनसीआरटी पढ़ना शुरू कर दो ठीक है सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक का मोहम्मद कमरुद्दीन व्हाट्सएप करो या नंबर में फोन करो और बता दो गिरिडीह से हो नेक्स्ट आओ एट क्रॉस पर्पस देख रहे हो <coughs> इसमें और इसमें भाई दरार पड़े हुए हैं दोनों के बीच में रिलेशन में इसका मतलब डिसएग्रिंग एट क्रॉस पर्पस का मतलब होता है कि दोनों के बीच में एकदम ऐसे कटम कुट्टी है क्रॉस है यानी दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा ठीक है यू मस्ट नॉट पार्टिसिपेट इन द मैराथन दिस ईयर विदाउट एनी ट्रेनिंग इट इज एन अनरियल होप ऑन योर पार्ट बेटा जब आप अनरियल होप करते हो ना कि बस खाली आप होप कर रहे हो और होना जाना कुछ नहीं है अनरियल होप है तो इसका मतलब होता है अ पाइप ड्रीम इसका पाइप ड्रीम का मतलब जैसे कि आप सो रहे हो सोच रहे हो ए भाई मेरा इतना बड़ा इंडियन ऑयल का कंपनी खुल जाएगा मेरे उसके बाद फिर मैं इतना बड़ा महल बना लूंगा तो नहीं होता ठीक है इसका मतलब है क्या अ पाइप ड्रीम अ रियल नहीं अनरियल होप इज अ पाइप ड्रीम ठीक है देखो राइट नेक्स्ट आओ विल ओ द विस्प इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब है कि कुछ ऐसा काम करना किसी को पकड़ने की कोशिश करना या किसी चीज़ को आ, पहुंचने की कोशिश करना जो आपको पॉसिबल ही नहीं है पकड़ पाना या रीच कर पाना ठीक है उसी तरह से कैरी कोल टू न्यू मुझे न्यू कासल में कोल मिलता है वहां तक कोल ले जाओगे तो क्या करोगे अननेसेसरी आप अपना एफर्ट वेस्ट कर रहे हो ठीक है ना देखो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि आप कोई काम कर रहे हो जो करने की जरूरत नहीं है ठीक है इसका मतलब टू डू समथिंग

इटनरी जो होते हैं ना ये आपका स्केड्यूल होता है सिर्फ आप इंप्रूव करते जा रहे हो सीख रहे हो सुन रहे हो सीख रहे हो देख रहे हो सीख रहे हो यानी कि आप खाली इंप्रूव कर करके अपने आप बेहतर होते जा रहे हो ठीक है तो उसी को कहते हैं बाय द इंप्रूव कर रहे हो दि देखो इसलिए कहा क्या मैं बाली चला गया बैग पैक करके अपना बैग पैकिंग ट्रिप के साथ और सब कुछ मैंने विदाउट एनी शेड्यूल का किया सिर्फ इंप्रूव कर करके कहीं कुछ सीखा दूसरी जगह लागू किया बस ऐसे ही करके देखो यू स्नूज यू लूज एक बार सोया बस खत्म लूज कर गया ठीक है इसका मतलब है इफ यू आर नॉट अलर्ट यू आर लाइकली टू मिस अपॉर्चुनिटीज बस झपकी आई और आपके हाथ से मिस कर गया चांस बहुत सारे कंपनीज है इंडिया में है ना जो एकदम अलर्ट रहती है जो थोड़ा सा भी अलर्ट नहीं रहती पीछे हो जाती यू स्नूज यू लूज आउट ऑफ द ब्लू अचानक जैसे कहा ना आउट ये ब्लू क्या है आसमान ब्लू है इससे अचानक कोई चीज आया पता भी नहीं चलता अचानक बिजली गिर जाती है तो अनएक्सपेक्टेडली एक्सपेक्ट भी नहीं किया और आ गया बेटा इंग्लिश बहुत बच्चों को समझ में नहीं आती है उससे क्या हुआ पढ़ो ना पढ़ा तो नहीं हूं मैं आप पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं समझ में आती है फिर से पढ़ो मैं समझा रही हूं कि एक सेंटेंस को देखो फिनिशिंग दिस असाइनमेंट द एम्प्लॉइज मेक इट अ डे अभी बताया था मेक इट अ डे इसका मतलब है काम खत्म चलो घर चलते हैं कॉल इट अ डे है ना मेक इट अ डे नहीं कॉल इट अ डे यानी कि चलो काम खत्म करो हो गया इसका मतलब है, एक जगह पे कॉल इट अ डे का मीनिंग पूछा था और दूसरा जगह पे एग्जैक्ट इडियम कौन है भाई कॉल इट अ डे इडियम था मेक इट अ डे इडियम नहीं था ठीक है अनिता अनिता कहती है कि भाई मैं तो इनोसेंट हूँ, लेकिन यार कोई तो बात होगा बिना बात का बिना आग के धुआं नहीं उठता जैसे सिगरेट पियोगे तभी कूटे जाओगे पापा से है ना कूटे क्यों गए क्योंकि रूम में धुआं था यानी कि पापा को समझ में आ गया कि इसको कूटना चाहिए क्यों क्योंकि अगर स्मोक है तो फायर तो कहीं हुआ होगा और फायर कहां हुआ होगा रूम के अंदर तो सिगरेट पे इसका मतलब है नो स्मोक विदाउट फायर यानी जरूर कुछ बात है ऐसे ही बिना बात के तो बिना आग के तो धुआं नहीं उठता ठीक है अब इसमें पुल अप सॉक्स इसका मतलब होता है टू गेट रेडी जब आप सॉक्स को अप करते हो ना तो आप रेडी होते हैं। कोई ट्रूथ होता है तभी गॉसिपिंग होती है बिना ट्रूथ के गॉसिपिंग नहीं होता ठीक है देखो इसका मीनिंग ठीक है रब ऑफ द शोल्डर्स बेटा आपके शोल्डर्स एक दूसरे से रब तभी होते हैं जब आप किसी के साथ क्लोज कॉन्टेक्ट में आते हो तभी है ना इसका मतलब है टू एसोसिएट विथ समन To come in contact with someone, <clears throat> एक साथ खड़े होगे तभी तो एक दूसरे के शोल्डर से टकराओगे नो लव लॉस्ट का मतलब होता है दुश्मनी होना नो लव लॉस्ट का मतलब प्यार खोजाना नहीं होता है कोई प्यार खोया नहीं है ऐसा नहीं है ठीक <coughs> है देखो जल्दी लिख करो बेटा दो वेरी रिच एलेक्सांडर ऑलवेज सेव्स फॉर अ रेनी डे इसका मतलब है सेव्स मनी फॉर लेटर जैसे आप देखते हो जो चीटी होती है वो रोज देखो कि दिन भर वो दाना लेके जाती रहेगी और जब बारिश का मौसम होगा आराम से अपने छेद के बाहर बैठ के ऐसे देखते रहती है और खाते रहती है क्योंकि वो उस समय के लिए बचा के रखी हुई है है ना सेव्स मनी फॉर लेटर गेट ऑन माई नर्व्स भाई किसी की आवाज नर्व्स में जाए इसका मतलब अब इरिटेट हो रहे उसके आवाज से है ना कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा बोलते हैं तो क्या कहोगे ही गेट्स ऑन माई नर्व्स बिल्कुल इरिटेट करके रख देता है देखो कितना बोल रहा वो इरिटेट हो गई है इन सूप अगर ये मक्खी इन सूप या मच्छर इन सूप गिर गया है तो भाई ये डिफिकल्ट सिचुएशन में है अब इसको निकालना बहुत मुश्किल है इसको इससे सूप से निकलना बहुत मुश्किल है मरेगा ही डूब के इसका मतलब है इन ट्रबल इन अ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन ठीक है आई रियली डोंट वांट टू पोर कोल्ड वाटर ऑन योर थ्योरी बट इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू रियल लाइफ सिचुएशन जैसे मेरा बेटा बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज के साथ आएगा उसको लगेगा कि हम बहुत बहुत बढ़िया आइडिया लेके आए हैं मतलब इस आइडिया को अप्लाई करेंगे मम्मी एकदम अरबपति हो जाएगी है ना और मैं चुपचाप सुन लेती हूं आई डोंट वांट टू पोर कोल्ड वाटर ऑन हिज आइडियाज इसका मतलब होता है कि आप डाउटफुल और क्रिटिकल बोलते यार ऐसा तो नहीं होता तुम जो आइडिया दे रहे हो ना ये कुछ भी नहीं है बेकार चीज है होगा क्या आप डाउटफुल ऑफ ए प्लान हो गए और उससे क्या होगा कि जो बंदा एक्साइटेड है उसको बहुत बुरा लगेगा वही तो है टू बी क्रिटिकल और डाउटफुल ऑफ ए प्लान दैट समवन इज एक्साइटेड अबाउट बहुत एक्साइटेड है देखो कितना एक्साइटेड होगी कि वो बता रहा है आइडिया और ये सुन ही नहीं रही है वो अपना कुछ दिख रहा है है ना कोल्ड वाटर तो होगा नहीं बदला लेना तो होगा नहीं टू गिव गूज बम्स यानी कि एकदम जैसे गूज बम्स निकल आते हैं ना बिल्कुल एकदम कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स का मतलब होता है बेटा कि कुछ फ्यूटाइल एफर्ट करना ठीक है पोर का मतलब होता है बेटा उड़ेलना। यानी किसी काम पे आप कोल्ड वाटर डाल दोगे तो क्या होगा काम खराब जैसे आग है एकदम बल अच्छे से जल रहा है उस पर कोल्ड वाटर डाल दो बेचारा फिस करके खत्म हो जाएगा वही चीज ठीक है रिया ऑलवेज कंसिडर सिंसियरिटी डिवोशन एंड डेडिकेशन एज द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ अ गुड एम्प्लॉय एक अच्छा एम्प्लॉय है ना तो सबसे ऊपर किस चीज को रखेगा कर्तव्य निष्ठा को डिवोशन समर्पण को डेडिकेशन एकदम कर्तव्य के प्रति बहुत ज्यादा अपने आप को तत्पर तरीके से आप उसमें लगे रहना तो इसीलिए फर्स्ट एंड फोरमोस्ट होगा सबसे ऊपर फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब होता है जस्ट यानी कि एकदम न्यायपूर्ण ठीक है किस स्ट्रीम में है बेटा अभी तो टेंथ में और वह अभी से हमें बहुत आइडियाज देता है और उसका आइडियाज जो होता है महाबकवास होता है एवर एंड एन एन का मतलब होता है बेटा समटाइम्स ठीक है Occasionally, समाइम्स ये होगा चलो फ्री एंड ईजी का मतलब relaxed होता है आप फ्री हो लाइफ इजी ले रहे हो तो relaxed हो ठीक है गोल्डन रूल्स वाली क्लास से हाँ निकल जाएगा एक इनफैक्ट टेलीग्राम में ग्रुप भी है गोल्डन रूल्स बन करके उसमें भी मैंने डाला हुआ है सारा शीट गोल्डन रूल्स के जितने क्लास है वो ट्रेडिंग ऑन थिन आइस अभी बताया था ना कि एकदम आइस थिन है और नीचे एकदम कोल्ड वाटर होगा अगर आइस टूटा और बंदा कोल्ड वाटर में गया तो कई बार हार्ट अटैक हो जाता है ठंड में आपको पता है ना वही होता है यानी कि क्या करना रिस्की पोजीशन में डेंजरस एंड रिस्की पोजीशन में हेल स्टोन का मतलब तो होता है जो ओले पड़ते हैं ना वो है ना नेक्स्ट आप गेट आप ऑन द रोंग साइड ऑफ द बेड बेटा अगर रोंग साइड ऑफ द बेड से उठ गए तो क्या होता है कई बार जाकर दीवार पे टकराते हो है ना इसका मतलब हॉरेबल डे होना नहीं एक बार हुआ है मैं रॉन्ग साइड ऑफ बेड से उठ के और दीवार में खोज रही हूं कि मेरा वो स्विच बोर्ड कहाँ है और स्विच बोर्ड तो दिख नहीं रहा है उसके बाद अचानक दरवाजे पे हाँ चला गया मैंने कहा अरे जा ये दीवार को इसने तोड़ दिया क्योंकि उस समय तो दरवाजा ही नहीं था जिस समय तरफ से मैं उठती थी तो मैं किधर से उठी थी गलत तरीके से तो हॉरिबल डे होना यानी समवन अ हॉरिबल डे ठीक है बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक सिक्सटी सिक्स तक नेक्स्ट आओ माय कजिन सिस्टर गलत हो गया बेटा ये एसएससी खुद ही कई बार गलत देती है उसके बाद फिर पंगा होता है कजिन के साथ सिस्टर नहीं आता माय कजिन नीतू मेरा ही नाम दे दिया ट्रेड फेयर फ्रॉम द टॉप ऑफ द्हील बेटा जायंट व्हील जो जो नहीं होता है बड़ा वाला तारा माची कहते हैं उसको उधर हमारे तरफ है ना बहुत बड़े से जो झूला होता है जब आप ऊपर जाओगे ना तो ऊपर अगर रहोगे आप देखोगे पूरा का पूरा जितना बड़ा मेला है पूरे मेले का आपको दिख जाएगा पूरा व्यू ऊपर से वॉट इज दैट दैट इज बर्ड्स आई व्यू इसका मतलब व्यू फ्रॉम ए एरियल का मतलब होता है हवा से है ना व्यू फ्रॉम ए एरियल का मतलब हो हवा से यानी जैसे ऊपर एरियल मतलब आसमान से ठीक है देखो हमने पूरा कंप्लीट खत्म कर दिया देखो तो क्या खत्म हो गया अब इसको मैं सेव कर रही हूं और आपको ये अभी थोड़ी देर में लाइव और आपके एप आप सब में लोड कर दूंगी ठीक है ये सब में लोड हो जाएगा जो बैच आ रहा है बेटा वो तेरह तारीख से आ रहा है नया बैच और इसमें बैच फिफ्टी है सारे एग्जाम्स जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है सबके लिए है पूरा कंप्लीट आपको सिलेबस प्रोवाइड कर देंगे हम जितने भी तरह के वो कैबलरी होते हैं वन टू ट्वेंटी शीट्स वो भी मिल जाएगा जितने नए वो कैब कराएंगे सब ऐड होंगे इसमें लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है कि भाई इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक क्लास का इंतजार करूं और क्लास जब हो तब देखूं तब तो फिर बेटा आप पता क्या लोगे फिर आप इंग्लिश स्पेशल फोर्टी लोगे इसके साथ कॉम्बो मिल जाएगा आपको ट्वेंटी फाइव हंड्रेड में पूरा कॉम्बो मिल जाएगा इंग्लिश स्पेशल फोर्टी प्लस मैथ स्पेशल थर्टी वन रीजिंग स्पेशल थर्टी टू स्पेशल फोर्टी पूरा कंप्लीट बीओडी बैच मिल जाएगा विद टेस्ट सीरीज। ठीक है चलो ये खत्म हो गया आपका ये था बेटा सीजीएल का और ये पूरा कंप्लीट जो था ये था सीजीएल का पूरा कंप्लीट है ये और मैं इसको पूरा आज पूरा पूरा लोड कर दे रही ये पूरा कंप्लीट आज लोड कर दूंगी आपका वन से लेकर पूरा कंप्लीट ठीक है ये पूरा कंप्लीट सिक्सटी सेवन थे ये पूरा सीजीएल का था तो चलो थैंक यू सो मच और नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी आपसे जल्दी ही चलो बाय